सियासत ताकत हासिल करने का खेल है, लेकिन कई मैदान ऐसे भी होते हैं जहां हार फतह से ज्यादा बड़ी कामयाबी होती है। इश्क भी एक ऐसा ही मैदान है, क्योंकि इस मैदान में फना होना कबूलियत की निशानी है। अफसोस के आज के मादा परस्त दौर में सियासत, माशरत, मसाजिद, खानकाहों तक में सियासत पहुंच गई है, जो दलील है कि हम नबी रहमत के अता करदा असूलों से दूर हो गए हैं। अल्लाह की रजा अगर मकसद हो तो फिर किसी ताकत या इख्तदार की चाहत बेमानी हो जाती है। अगर दीन का बोलबाला करने की चाहत हो तो इंसान अमल और इश्क से खुद को संवारता है, खुद को इश्क नबी में ऐसा फना करता है कि उसे कहना नहीं पड़ता, बल्कि हुब्बे रसूल की खुशबू खुद बताती है कि वो किसका गुलाम और आशिक है। लेकिन अगर इश्क के मामलात में भी अपनी जात नजर आए तो समझो कि इश्क नहीं हवस है, और जहां हवस हो वहां इश्क रह ही नहीं सकता, बल्कि नफ्स की तमन्ना का वो धोखा होता है जो अजाजील को इबलीस बना देता है।